तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक का Q3 रिजल्ट कह सकते हो कि तकरीबन निकल ही गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और इस स्टॉक का जो रिटर्न है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट कितना निकला है, 107% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। और इस कंपनी का एक्सेप्टेशन था कि 1 लाख, अगर कहा जाए तो 1737 करोड़ का एक्सेप्ट, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट का परफॉर्मेंस था। तो इस साल इसने जो परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये है इसका ईयर ऑन ईयर अर्निंग। तो मेरे दोस्तों, ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और इसका अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस के बारे में कहा जाए, तो इसका जो शेयर है ना, इसने अच्छा खासा रिटर्न देकर भी गया है इन्वेस्टर को। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि इसको इसका 1 डेज का रिटर्न जो है वो नेगेटिव पर है, पर उसके बाद 2 डेज का कहा जाए या तो 1 वीक का कहा जाए तो देख सकते हो कितना है, 1 मंथ का कहा जाए तो 27% रिटर्न दिया है। अगर आज आपने FD पर 1 लाख रुपीज़ लगाया होता तो आपको 3 साल लग जाता है ये रिटर्न पाने में, ठीक है, और यहाँ पर कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिला है आप समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अगर कहा जाए इसका 1 ईयर का, तो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, यानी इसने पास्ट 1 मंथ पर ही परफॉर्मेंस किया है और 1 ईयर पर इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया है, ठीक है। और 3 ईयर का कहा जाए तो गिरावटी है, ठीक है, 3 ईयर पहले यह तकरीबन 150 रुपीज़ के आसपास था, ठीक है, और 5 ईयर का कहा जाए तो भी ये गिरा ही है एज़ कम्पेयर टू कहा जाए, पर यह दोबारा बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है ना, इतना तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, पर उसके बाद भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होता है ना, वो गिर जाए तो बाउंस बैक करने में उसको ज़्यादातर टाइम लग जाता है, ठीक है। और जो फंडामेंटली वीक कंपनी होता है ना, उसमें ज़्यादातर स्कैम होता है, जिसके वजह से वो स्टॉक बाउंस बैक कर लेता है। और ये जो स्टॉक होता है ना, जो पेनी स्टॉक होता है, वो अगर एक बार गिर जाए तो उसको उठने में सालों लग जाता है, पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी एक बार गिर जाए तो हो सकता है 1 साल या तो 6 महीने के अंदर ही रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पेनी स्टॉक, नॉन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इस स्टॉक का पास्ट रिटर्न के बारे में। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कहा जाए, तो आप देख सकते हो कि दिसंबर के हिसाब के मुताबिक ये जो स्टॉक है, इसका प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, रिटेलर के पास कितना है, म्यूचुअल फंड पर क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले भी इसका हिस्सा रखे हैं, इंस्टीट्यूट जो है डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी पैसा लगा कर रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इसका Q3 रिजल्ट के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।